हेलो, वेलकम टू द शिफो के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज। इसका पहले हम लोगों ने पॉइंटर का क्वेश्चन किया था। मैंने पॉइंटर का एक बेसिक वीडियो बना दिया था जिसमें पॉइंटर का अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसका टाइप क्या था, जैसे वाइल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, नल पॉइंटर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्वेश्चन का भी, प्ले लिस्ट का भी, पॉइंटर का भी, अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका पहले जितना लेक्चर था 21 लेक्चर इसका पहले बना दिया था। और अगर तुम चाहो पॉइंटर का, जैसे पॉइंटर विथ 1 DRA, पॉइंटर विथ 2 DRA फंक्शन का, तब बोलना लेक्चर, कमेंट कर देना, लेक्चर आनूंगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, a = 10 है, पॉइंटर है तो मेमोरी बना के अच्छे से देखना, b = 2 है। ऐसे क्वेश्चन ईजी है लेकिन बहुत सारे गलती करेंगे। पी ऑफ ए में क्या है, ए के एड्रेस मैं सपोज 100, इसमें 200 लिया, इसका 100 एड्रेस है, इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा, सपोज मैंने 300 ले लिया। पी ऑफ बी में कौन सा एड्रेस है, बी का 200, इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा मेमोरी में 400। अब तो वैल्यू ऑफ पार्सन डी, ठीक है, कोई बोलिए एस्टेक पी पी ए बाई एस्टेक पी बी, ठीक है। कोई क्या करेगा, एस्टेक पी मतलब पी ए कौन एड्रेस कौन सा 100, तो 100 के एड्रेस में कौन सा मिले 10, तो कहेगा 10/2 तो 5, इसका आंसर 5 मार्क का चला आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर इसको बड़ा करते हो, इसको देखो, ठीक है। अगर तुम इस जैसे मैंने जैसे ये लिख दूंगा तो क्या होता है, कमेंट होता है, कमेंट मल्टी लाइन कमेंट का यूज होता है। इस पर कोई स्पेस नहीं, अगर स्पेस नहीं दिया, स्पेस दोगे तभी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर तुमने ये दे दिया तो मल्टी लाइन कमेंट की तरह ट्रीट करेगा, अगर मल्टी लाइन कमेंट हो गया तो क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि इसके बाद जो भी है तो कमेंट होगा, प्रिंट के बाद तो सेमीकोलन होना चाहिए, तो सेमीकोलन नहीं रहेगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एरर होगा, चाहे हो तो देख लो, मैंने प्रोग्राम को देखो, कमेंट आउट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना, कुछ भी आंसर हो सकता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद 10 या 11 क्वेश्चन है, ठीक है, 11 क्वेश्चन। अगर तुमको 5 आता कमेंट में लिख देना, 11/5 और 11 आ गया, 11/11 लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो यस्टे पीटीआर के पॉइंटर जो इंटीजर टाइप का वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा, बी है, ठीक है। बी टू साइज ऑफ पीटीआर, साइज ऑफ पीटीआर अगर 32 बिट होगा तो इसका आंसर कहता है 4 बाइट साइज देगा, ठीक है। अगर 64 बिट होगा तो आंसर कितना का 8 बाइट सॉरी। तो साइज ऑफ पीटर कौन सा होगा, 4 बाइट 4 आ गया। अगर 32 बिट होगा तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 4 बाइट। अगर मैशिंग 64 बिट होगा तो इसके आंसर 8 बाइट। इसमें क्या है, a = 25 जो है, ठीक है, 25 कुछ मेमोरी एड्रेस रहेगा, ठीक है, रहने दो। बी कुछ इनिशियलाइज नहीं किया लेकिन मेमोरी तो एड्रेस रहेगा, कुछ भी अगर अन इनिशियलाइज है तो क्या होता है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसके एड्रेस तो रहेगा 200। आप देखो एस्टेक पीटीआर क्या होल्ड करे, ए के एड्रेस मतलब जो पीटीआर है एड्रेस ऑफ ए, इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा, मान लेते 300। और पीटीआर 1 बी का एड्रेस, पीटीआर ऑफ 1 एड्रेस ऑफ बी 200, इसका भी कुछ एड्रेस रहेगा 400। अब बी में 36 असाइन कर दिया, 36, ठीक है। अब देखो एस्टेक पीटीआर, एस्टेक पीटीआर पीटर के वैल्यू 200 के एड्रेस इंडेक्स नंबर सेंड किया, टेक एड्रेस लेकर उस एड्रेस में जो वैल्यू का प्रिंट करता है, 200 एड्रेस कौन सा वैल्यू, 36, तो 36 एस्टेक पीटीआर। एस्टेक पीटीआर में कौन होगा, एस्टेक पीटीआर मतलब 100, तो 100 से एड्रेस में कौन से वैल्यू, 25, तो इसका आंसर 25/36 होगा। अब इसका करके बताऊं, इसके आंसर कमेंट में बताना, देखते हो कितने का सही होता है। पहले क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लो।
एक्स वाई, एक्स में पहले देखो अच्छे से लाइन बाय लाइन, एक्स के लिए 30 वैल्यू है, मेमोरी एड्रेस सपोज 100 मिल गया। अब वाई, वाई कौन से एड्रेस होल्ड करे, एक्स का, वाई एक्स का एड्रेस होल्ड किया उसके लिए वैल्यू 200। अब जेड क्या होगा, वाई, ठीक है, जेड क्या होल्ड करेगा, वाई, वाई का वैल्यू कितना है 100, 100 का एड्रेस है तो पॉसिबल है क्योंकि जेड क्या पॉइंटर, पॉइंटर हमेशा एड्रेस से होल्ड करेगा, लेकिन वाई में कौन सा है वैल्यू, एड्रेस, तो सही है। इसका भी 300 एड्रेस ले लिया सपोज। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है एक्स का एड्रेस 500 है तो मैं 300 नहीं लिख सकता हूँ, एक्स का एड्रेस 500 है, 500 तो यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ पे भी कौन सा 500 आ गया, लेकिन इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 300 500 में 600 मान लो, जिसका एड्रेस 700 मान लिया, ठीक है। अब क्या ए लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहले प्लस प्लस होगा फिर इंडेक्स में पड़ेगा, अगर प्लस प्लस हो गया तो मतलब वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई का कितना वैल्यू है 500, 500 प्लस वन, वन इंटू साइज ऑफ डेटा होता है, साइज ऑफ डेटा प्लस वन का मतलब डायरेक्टली वन लिखना है, इसका मतलब या साइज ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा मतलब कौन सा डेटा, वाई इंटीजर, तो इंटीजर टाइप का होल्ड किया तो इंटू फाइव, सॉरी फोर, तो 504 हो जाएगा, तो वाई 504, 504 कोई एड्रेस है इसमें नहीं है, तो 504 में कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगा तो गार्बेज, ठीक है। तो उसमें अब देखो ए वाला पार्ट तो हो गया, अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देखो, प्लस प्लस जेड होगा तो कौन सा होगा, प्लस प्लस जेड, वो भी 504 होगा, फिर 504 या एस टी, 504 में कौन सा वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, या एस टी वाई, वाई कौन किसको पॉइंट करे 504 को, तो जो गार्बेज वैल्यू वही 504 में ऐसा होगा, तो इसके लिए एक्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स का मेमोरी एड्रेस 500, लेकिन वाई, वाई और जेड कहाँ पर चले 504, तो एक्स में कुछ चेंज नहीं होगा, तो डोंट वरी, तो एक्स प्लस प्लस होगा तो क्या इसमें 31 होगा, इसके वजह से एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें वाई एंड जेड कौन से वैल्यू होगा, 504 होगा, फिर आप पिन कर दे, एक्स का वैल्यू 31, वाई का वैल्यू 504, जेड का वैल्यू 504, फिर यहाँ पे यास्टिक 504, यहाँ पे ले दो यास्टिक 504, ऐसे हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बोला 504 में जो एड्रेस रहेगा, ठीक है, जो उसका वैल्यू ऐसे नहीं होगा, तो गार्बेज वैल्यू का 504 लेके कोई काम नहीं क्योंकि उसमें कोई भेड़ बन नहीं है, तो इग्नोर दैट। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का अच्छे से, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पॉइंटर, पॉइंटर चेंज नहीं हो सकता है, पॉइंटर कैन नॉट चेंज, एक बार इनिशियलाइज करता कैन नॉट चेंज, लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं तो यास्टिक पी से किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इस क्या एस टी आर स्ट्रिंग को चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए पॉसिबल है, मतलब पी टी आर पी का टू एस टी आर, मतलब अगर हेलो मेमोरी मिल गया, ठीक है, तो पहले सपोज मैंने 100 फिर 101 क्योंकि 1 करके इंक्रीज करते साइज 1 होता है, 102, 103 फिर 104 होगा, तो एस टी आर इसको पॉइंट करेगा, पी भी इसको पॉइंट किया, तो एस टैग पी मतलब इस 100 जिसमें वैल्यू कौन से एसेंट हो जाएगा, एम, तो एम एसेंट होगा, तो एम वी एल एल ओ इसका आंसर होगा, एस टी आर आंसर होगा। इसमें पॉइंटर में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट पी टी आर, देखा अगर पॉइंटर में ऐसे करता है पी प्लस प्लस तो इरर देगा, क्योंकि पी प्लस प्लस मतलब मैं पॉइंटर में चेंज करने का ट्राई कर रही हूँ, पॉइंटर में चेंज करना पॉसिबल नहीं है कि इसमें कांस्टेंट बोल दिया। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा कमेंट भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी। देखो इसमें क्या हो सकता है, कोई बोलेगा एसटी पीटीआर साइज ऑफ पीटीआर, पीटीआर का साइज 4 बाइट होता है, तो इसका आंसर 4 बाइट होगा, बहुत लोग कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन एक चीज़ तो देख लो, पॉइंटर क्या होल्ड करते हैं, हमसे एड्रेस, लेकिन एस टी पी टी आर में मैंने क्या दिया, एक वैल्यू दिया, पॉसिबल है नहीं है तो एरर देगा, इसमें क्या आंसर एरर, ठीक है। अगर मैंने आपके एस टी पी टी आर का जब 0 लिख दिया तो मैंने बोला पॉसिबल होता है 0, मैं जब पॉइंटर का एक बेसिक लेक्चर बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया था 0 पॉसिबल है, ठीक है, 0 के लिए कुछ एरर नहीं देगा, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू दूंगा तो एरर देगा, वो लेक्चर अच्छे से देख लेना।
क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो। इंटीजर अरे, तो इसका टोटल साइज कितना था? 3 × 4। टोटल एलिमेंट इंटीजर का साइज मैंने 4 मान लिया, एक एक इंटीजर 4 बाइट, तो कितना 12 बाइट। ठीक है, पॉइंट का साइज मैंने 4 बाइट मान लिया, और इंटीजर साइज 4 बाइट है, पॉइंट का 4 बाइट हो गया क्योंकि 32 बिट ले लिया। ठीक है, 32 बिट मैचिंग के लिए। कैरेक्टर का साइज कितना होगा? 3 बाइट होगा, 3 × साइज ऑफ कैरेक्टर कितना? 1, तो 3 बाइट हो गया। कैरेक्टर पॉइंटर, लेकिन इसका साइज तो 4 बाइट होगा, क्योंकि पॉइंटर का साइज इसका डेटा टाइप का ऊपर डिपेंड नहीं करता, पॉइंटर का खुद का साइज होता है। तो पॉइंटर का साइज 32 बिट कॉम्पलर होता तो 4 बाइट, अगर 64 बिट होगा कॉम्पलर तो 8 बाइट होगा। तो अगर प्रिंटर कर दो, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कितना होगा? 12 बाइट, तो इसका 12 बाइट। साइज ऑफ पीटीआर कितना? 4 बाइट। साइज ऑफ एरे सी, एरे सी मतलब ए वाला एरे, कितना? 3। तो पीटीआर सी कितना होगा? 4, तो 12 और 3 4 इसके आंसर। ओके इस क्वेश्चन का करके बताओ। फ्लोट एरे ऑफ 5, ठीक है, फ्लोट दिया है, तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 5 ड्रॉ कर लो, कितना? 1 5 ही है, 1 2 3। वैल्यू ले दे 12.5, 10.0, 13.5, 19.5, 0.5। ठीक है, एड्रेस मैंने लिख दिया 100, कुछ नहीं बोला तो 104 होगा, कि फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, तो 4 4 बाइट करके लेगा, तो फिर 108, 100, 112, 116। यस, टेक पीटीआर, पीटीआर एरे ऑफ 0, पीटीआर किसको होल्ड करे? पीटीआर 1 इसको होल्ड करे, और पीटीआर 2 कौन सा होगा? पीटीआर 1 + 3, मतलब पीटीआर 1 अगर इसको 0 1 2 3, तो इसमें चलाएगा पीटीआर 2 इसको होल्ड करे। ठीक है, अब यस टेक पीटीआर 2 में कौन सा वैल्यू है? 90.05, तो इसमें कौन सा आंसर था? 9.05, उसके बाद कितना? 5 देगा, 0, क्योंकि इसमें टोटल 6 डिजिट लेता है, टोटल टेक 6 डिजिट। ठीक है, आफ्टर डेसिमल फ्लोट हमेशा 6 डिजिट लेगा। फिर देख लो, पीटीआर माइनस पीटीआर 2, कोई बोलेगा पीटीआर से पीटीआर 2 माइनस कर दे, तो 1 1 12 माइनस 100 कितना होगा? 12। हाँ, कोई बोलेगा तो इसका आंसर 12 होना चाहिए, नॉट। इसके आंसर होता है डिफरेंस ब्लॉक, कितना ब्लॉक का डिफरेंस है? 12 आया, साइज कितना है? 4 से डिवाइड कर दो, कितना? 3 3 बाइट। वाई 4? क्योंकि मैंने साइज ही मान लिया था फ्लोट का 4 बाइट, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना डिफरेंस के ब्लॉक का? 3, तो इसके आंसर 3 होगा। डिफरेंस ऑफ ब्लॉक होता है, जैसे इसमें इसका बीच में 1 2 3 ब्लॉक का डिफरेंस है, तो ये आंसर आएगा। एक चीज मैंने बेसिक पॉइंटर में ही बता दिया था, तो अच्छे से देख लेना। देखो इसमें ये रन टाइम एरर देगा, व्हाई? यस्टेक पीटीआर मैंने बोला, ठीक है, चलिए पीटीआर में कोई वैल्यू होल्ड क्या अन इनिशियलाइज, फिर मैंने यस्टेक पीटीआर को 5 ट्राई करने की कोशिश करो, तो इसमें रन टाइम एरर देगा, क्योंकि पीटीआर में कोई इनिशियलाइज नहीं है ना, तो इसलिए कैन नॉट बी इन अन इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते पॉइंटर में। क्योंकि अगर ऐसा होता है पीटीआर, ठीक है, मैं डिक्लेयर नहीं किया तो मैं मेमोरी मिल गया सपोज, ठीक है सर, ठीक है, मेमोरी मिल गया सपोज 200 में मिल गया, पीटीआर में कोई भी वैल्यू सकते, सपोज 200 ही वैल्यू हुआ, हो सकते है, पॉसिबल तो है ना। तो याद कर, मैंने पीटीआर कर दिया, मतलब टू मैंने मैंने पॉइंटर से पॉइंटर का मैंने इनिशियलाइज करने की कोशिश करो, तो इसलिए एरर देगा, इसका आंसर एरर, रन टाइम एरर होगा, क्योंकि सिंटेक्स में कुछ गलत नहीं है, सिंटेक्स सही है। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, अगर पॉइंटर का हुआ तो हमेशा मेमोरी ड्रॉ कर लेना, ठीक है, अगर टाइम है तो। 36 100, पी टी आर कौन सा वैल्यू होल्ड करेगा? एम्परसेंड ए, ठीक है, 100, तो इसका कुछ एड्रेस रहेगा 200, पहले देखो यस्टेक पी टी आर एम्परसेंड, ठीक है, इंडेक्स नंबर का काम का है, एड्रेस लेता है और वैल्यू देता है, ठीक है, पहले
पार्ट पार्ट इन्फ्लेशन देखो, पीटीआर में क्या है एड्रेस, तो 100, तो 100 में कौन सा वैल्यू है 36, तो इसमें क्या देगा 36, मतलब ए वेरिएबल 36 और ए वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है 100, तो 100 देगा, तो इस ए कौन सा वैल्यू दे रहा है एड्रेस, ठीक है गिव एड्रेस, इसके आंसर ऐसे रहेगा एड्रेस एड्रेस वैल्यू एड्रेस एड्रेस वैल्यू 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 ऐसे ऑप्शन रहेगा। फिर इसको विलेट करके देखो एस्टेक एम्परसेंड पीटीआर, एस्टेक पीटीआर मतलब पीटीआर का एड्रेस देगा, ठीक है पीटीआर का एड्रेस कौन सा है 200, तो इसमें 200 एड्रेस दिया, 200 एड्रेस में कौन सा वैल्यू है 100 वैल्यू, 100 वैल्यू क्या है ओ बी टी का एड्रेस है, 100 वैल्यू तो एड्रेस है कौन किसका एड्रेस ए का, तो इस ए भी अल्टीमेटली क्या दे रहा है एड्रेस, तो दोनों क्या दे रहे हैं एड्रेस एड्रेस, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, और भी लेक्चर आएगा 50 से 60 तक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे हर क्वेश्चन को, इसके पहले मैंने लूप फंक्शन स्विच केस इफ एल्स का क्वेश्चन कवर कर दिया, देख लेना हर लेक्चर को, अगर ये देख लिया तो प्लेसमेंट का जो एमसीक्यू आता है उसके लिए अलग से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इंट नाम इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है नाम 10, तो कुछ मेमोरी मिल गया सपोज 100, तुमको ऑप्शन में दे रहा है क्या मेमोरी सपोज 2000 ऐसे कुछ बोला रहेगा, तो इसमें नाम का वैल्यू प्रिंट होगा परसेंटेज, एस्टे नाम में क्या प्रिंट होगा एड्रेस कौन सा एड्रेस 2000, उसका नाम प्लस प्लस मेमोरी में इंक्रीमेंट होगा 11, ठीक है। लेकिन नाम प्लस का मतलब समझना कि एस्टे का नाम प्लस प्लस होगा तो न्यू मेमोरी नहीं मिलेगा, इसमें मेमोरी सेम ही रहेगा, इसमें 2000 मेमोरी होगा तो नेक्स्ट में भी 2000 ही मेमोरी रहेगा, तो इस दोनों का मेमोरी सेम होगा, सिर्फ वैल्यू पहले 10 रहेगा उसका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा मेमोरी उसका 11 इसका भी मेमोरी, दोनों मेमोरी सेम रहेगा जस्ट वैल्यू में चेंज होगा। और थोड़ा ट्रिकी चीज देख लो, ठीक है अगर मैंने ऐसे लिख दिया पिन टेप परसेंट 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 तो कितना पिन होगा, ठीक है देखो टोटल परसेंट कितना है काउंट करो 3 by 2 करो कितना होता है 1.5 होता है, लेकिन इंटीजर पार्ट लो कितना का इंटीजर है 1, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर ऐसे परसेंट 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 कितना का 5 होगा, 5 by 2 कितना होता है 2.5, लेकिन इंटीजर में 2, लेकिन तब प्रिंट का होगा 2 होगा। अगर 6 रहेगा तो 6 by 2 कितना होता है 3, तो 3% प्रिंट कर देगा, क्योंकि परसेंट क्या होता है फॉर्मेट स्पेस में परसेंट यूज करते, तो ए परसेंट इसको स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन इस ए कौन किसको स्पेसिफाई करेगा कुछ नहीं है, तो कुछ अगर किसको स्पेसिफाई नहीं किया तो आउटपुट नहीं देगा इसके लिए, ठीक है। और एक चीज़ देख लो, इसके फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है रिटर्न टाइप क्या रिटर्न इसके फंक्शन, अगर मैंने जो मैंने स्कैन एफ लिखा सपोज, ठीक है स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए, परसेंट में इंटीजर, ठीक है अगर रीड सक्सेसफुली हुआ, मैंने अगर जब भी इनपुट दूंगा, ठीक है इनपुट के टाइम में अगर मैंने इंटीजर दिया 1, ठीक है तो मैं सही है क्योंकि मैंने इंटीजर ही आउटपुट चाहा था इनपुट चाहा था, तो इसमें रिटर्न आ गया 1। अगर मैंने गलती से ए के जगह में, ठीक है मैंने कोई 9.23 या कोई स्ट्रिंग दे दिया फुल स्ट्रिंग कमेंट दे दिया, ठीक है तो गलत है, अगर गलत हो गया माने मतलब रीड सक्सेसफुली नहीं हो पाया इनपुट, तो उसमें क्या देगा 0 देगा, ठीक है अगर रीड सक्सेसफुल हो गया तो कोई रिटर्न टाइप किसका क्या होता है 1 स्कैन एफ फंक्शन का, अगर नहीं होगा तो 0। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी लेक्चर आएगा क्वांटम में।